आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं, आइए सुन बातें आपको। और आज हम 25 जनवरी को ही बात कर रहे हैं। 25 जनवरी 1950 आज ही के दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए ही आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसमें एक बात और गौर करने वाली है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना देश के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बात पर बहुत ध्यान दिया था। वो जानते थे कि जीवंत लोकतंत्र तभी संभव है जब निष्पक्ष और मजबूत चुनाव व्यवस्था हो। 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाई गई आस्था की गरिमा निरंतर बढ़ाई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी शक्तियां कई लोकतांत्रिक देशों के चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। इसलिए भारत का चुनाव आयोग हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। आज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन के तौर पर भारत विश्व के कई देशों को अपने अनुभवों का लाभ दे रहा है। ये भी बहुत संतोष की बात है कि भारत की हर संवैधानिक संस्था ने हमेशा चुनाव आयोग की गरिमा की रक्षा की है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने हमेशा चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया है। हमारी अदालतों ने भी, सुप्रीम कोर्ट तक, हर किसी ने चुनाव आयोग को हमेशा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि चुनाव आयोग के आदेशों के पालन में, चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा ना आए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में जुड़े आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जिन्होंने हाल ही में अपने को वोटिंग के लिए एनरोल किया है। ऐसे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पुराने दिनों में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम के अलग अलग रंग के बक्से होते थे जिनमें लोग अपना मतदान करते थे। पहले आम चुनाव में यही हुआ था, प्रत्येक मतपेटी अलग अलग रंग की थी और उस पर उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चिन्ह था। उस दौर से निकलकर आज भारत में ईवीएम की मदद से मतदान होता है। एक समय था जब मतदान के बाद वोटों की गिनती कई कई दिनों तक होती थी, लेकिन ईवीएम की वजह से अब कुछ ही घंटों में नतीजे आ जाते हैं। साथियों, 1951 में जब चुनाव हुए तो 45% लोगों ने वोटिंग के लिए अपना जो अधिकार था उसका इस्तेमाल किया था, सिर्फ 45%। 2019 में जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो 67% मतदान हुआ था। इन वर्षों में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। कई जगहों पर महिला वोटर्स ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का इतना कम रहना
इस पर जरूर सोचना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सभी नागरिकों ने सोचना चाहिए। हम लोग देखते हैं खासकर शहरी इलाकों में, पढ़े लिखे संपन्न समझे जाने वाले इलाकों में वोटिंग परसेंटेज अक्सर बहुत कम रहता है। लोग सोशल मीडिया पर तो चर्चा करते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। ये स्थिति भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में निरंतर बदलती रहनी चाहिए और निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। क्या आज आजादी के इस 75वें वर्ष में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो पन्ना प्रमुख है, हम जो बूथ समिति के अध्यक्ष हैं, हम तय करेंगे हमारे बूथ में, मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम है, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, राज्य का होगा, पंचायत का होगा या देश का होगा, मैं ये तय करूंगा हां 75% वोट मेरे पन्ना प्रमुख के नाते, मेरी जहां जिम्मेवारी है वहां हो, बूथ समिति के अध्यक्ष के नाते जहां बूथ हो वहां हो, और जहां भी मेरी जो भी जिम्मेवारी हो ये हमने करना चाहिए। मुझे आज के युवाओं का उत्साह देखकर उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे युवाओं ने शाही लगी उंगली की सेल्फी को कूल फैक्टर बना दिया है, ये फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए मतदान सबसे पवित्र दान है। साथियों, बीते समय में चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। पहले नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता था, अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 बार मौका मिलता है। चुनाव आयोग ने 80 साल के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर पर जाकर मतदान की भी व्यवस्था की है। और आपको शायद मालूम होगा एक सी विजिल नाम का ऐप है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है। इस सी विजिल ऐप के माध्यम से मतदाता किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। अब वोटर के नाम को आधार नंबर के साथ जोड़ने का भी प्रयास चल रहा है, इससे मतदाता में भी पारदर्शिता आएगी। साथियों, मैं आज नेशनल वोटर्स डे पर देश के लोगों से, हमारे एकेडमिशियंस से, एक्सपर्ट से वन नेशन वन वोटर लिस्ट और वन नेशन वन इलेक्शन पर निरंतर चर्चा होती रहनी चाहिए। जब चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष साथ में आएगा, मंथन होगा, तभी तो अमृत निकलेगा। ये चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए, चर्चा लगातार चलती रहनी चाहिए और लोकतंत्र में यही तो एक उत्तम मार्ग होता है। मैं चाहूंगा कि देश के बुद्धिजीवी हो, देश के राजनीति में सक्रिय लोग इस विषय में जरूर आगे आए। साथियों, अलग अलग वोटर लिस्ट होने की वजह से हर कुछ महीने पर चुनाव होने से देश के विकास की गति और विकास से जुड़े निर्णय प्रभावित होते हैं, हम सबने अनुभव किया है। और आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता निशांत, हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री आज तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं,
मतदान मतदाता जो दिवस है उसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि उन्होंने, हमने उनके संबोधन में ये जिक्र भी सुना कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं हर पार्टी के, ये वो सबको प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। तो मतदान पर निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया है। निशांत, बिल्कुल, उन्होंने जिक्र किया कि 75 सालवे में है आजादी के, और आप लोग संकल्प लें, चाहे वो किसी भी दल के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर अन्य दल के हो, 75% वोटिंग होगी। उन्होंने पन्ना प्रमुख का जिक्र किया कि आप जिस भी पन्ना प्रमुख, जहां के भी पन्ना प्रमुख हैं, जिस भी बूथ स्तर के अध्यक्ष हैं, उस बूथ पे ये प्रयास करिए कि 75% जो है वोटिंग वहां पे हो। उन्होंने बहुत उसके सोशल मीडिया का भी जिक्र किया कि बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान की बातें सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन जब बात आती है वोट करने की तो वोट करने नहीं जाते, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने चर्चा करने की भी बात की कि लोगों को चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग जो हो, जो दूसरे दल के लोग हैं सत्ता में तो हैं, उन सारे लोगों को मिलकर के चर्चा करते रहनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए काफी लाभदायक है। विपक्ष को, जो विपक्ष में अन्य दल है, उनको, उनसे भी अनुरोध किया कि आप लोग चर्चा करें, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इस पे भी बात करें, ताकि जितना ज्यादा वोटिंग होगा उतना ही देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने चुनाव आयोग का भी उन्होंने जिक्र किया, उनकी तारीफ की, उन्होंने बोला कि 80 साल तक के बुजुर्ग को आसानी से वोट हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरा व्यवस्था किया है, वो जहां पर रहेंगे वहीं पर वोटिंग होगी। और इसके साथ साथ ही ये दूसरा राजनीतिक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके पहले उन्होंने पन्ना प्रमुखों को संबोधित किया था, वाराणसी के पन्ना प्रमुखों को संबोधित किया था, वो पहला राजनीतिक प्रोग्राम था। चुनाव आचार संहिता राज्यों में, 5 राज्यों में लगने के बाद उत्तर प्रदेश से उन्होंने शुरुआत किया था, ये दूसरा है। पन्ना प्रमुख के लिए विशेष तौर पर वो अपील कर रहे हैं कि आप जिस भी बूथ पे रहें उस बूथ पे 75% जो है वोटिंग होनी चाहिए, ऐसा कवायद होनी चाहिए। उन्होंने सारे पहलुओं का भी जिक्र किया, उन्होंने आजादी की भी जिक्र की, युवाओं का भी जिक्र किया, और जो वृद्ध हैं, वृद्धावस्था में किस स्थिति में वोट करेंगे उसका भी जिक्र किया, विपक्ष का भी जिक्र किया। ये साफ है कि आज मतदाता, नेशनल मतदाता दिवस है, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ऐसे में उन्होंने मतदान से संबंधित हर उस पहलुओं को छूने की कोशिश की जो एक राष्ट्राध्यक्ष को करना चाहिए। और उसके साथ साथ ही चूंकि राज्य में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए उन्होंने अपील भी की, अपील के साथ साथ प्रोत्साहन भी दिया, जीत का मंत्र भी देने की कोशिश कर रहे हैं इसी वास्ते, क्योंकि वो चाहते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर करे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो पन्ना प्रमुख को वो अपील कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर वोट करवाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से उसको फायदा होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण कहीं ना कहीं ये दूरदर्शी के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बेहतर समझ बनता हुआ उसके लिए दिखाई दे रहा है। जी विकास, बिल्कुल निशांत, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के हम संबोधन का जिक्र करें तो आज उन्होंने जो पन्ना प्रमुख है उनको लेकर तमाम चीज कही है। वो ऐसे में जब हम देखें कि चुनाव की दहलीज पर है, हम चुनाव जब बहुत नजदीक है, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का ये जो मंत्र है ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए या पन्ना प्रमुखों के लिए कितना, मतलब उनके अंदर कितनी जागरूकता पैदा करेगा। निशांत, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में वो सीधे लोगों से जनसंवाद करते हैं, सीधे अट्रैक्ट होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो उनके छोटे से कार्यकर्ता होते हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता माना जाता है कि ये अंतिम कार्यकर्ता है बूथ लेवल पे, जो अंतिम व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचने की हमेशा कवायद रहती है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सीधे इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे लोगों को समझाते हैं, वहां पे जो परिस्थिति होती है उस परिस्थितियों को लेकर के जो उनका अपना खासा अनुभव है आज तक के राजनीति का, उस राजनीति का चर्चा करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हैं तो हम हैं, और जहां पे आप थे, जहां पे आज आप हैं, कल हम वहां पे थे, आज जहां हम हैं कल आप भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा मंत्र होता है कार्यकर्ताओं के लिए, एक ऐसा मंत्र होता है उनके पन्ना प्रमुखों के लिए, बूथ अध्यक्षों के लिए, जो उनके लिए संजीवनी का काम करता है, और वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सीधे कार्यकर्ता से बात करता है, जो प्रधानमंत्री
पोस्ट पे दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहा से आधा से ज्यादा दूसरा कार्यकाल का पूरा हो चुका है, वो सीधे बात करता है तो इसका सीधे असर पड़ता है। नमो ऐप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खुद का व्यक्तिगत ऐप है, उस नमो ऐप के जरिए वो लगातार उन लोगों से बातचीत करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, क्योंकि आज जो वक्त था वो वक्त राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है और पन्ना प्रमुख से बिल्कुल निशांत आपने बिल्कुल तो सही कहा कि जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो तो वो जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है या जो जमीनी स्तर पर अंतिम पार्टी का कार्यकर्ता है जो पार्टी का डंडा और झंडा दोनों संभालता है उन तक से जो जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो प्रधानमंत्री करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मतदाताओं और खासकर पार्टी के लोगों की अगर हम बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता का संचार होता है। फिलहाल निशांत आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।